गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हमारा न्यू चैप्टर है, आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर फिफ्थ द वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इसके अंदर जो वैदिक पीरियड है उसके बारे में हम इसमें देख रहे हैं। तो वैदिक पीरियड के अंदर क्या है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका वेदास। वेदास में देखिए जो 1500 BCE से 600 BCE के बीच का जो पीरियड है उसे वैदिक पीरियड के नाम से जाना गया है और यह वैदिक लिटरेचर से डिराइव यानी कि निकला है। इसके अंदर वेदास, पुराण, रामायण, महाभारत इसके अंदर इंक्लूड हैं। जो वैदिक लिटरेचर है वो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर संस्कृत भाषा में लिखा गया था और ये जो भाषा है वो आज की जो मॉडर्न संस्कृत भाषा है उससे बिल्कुल डिफर थी। जो पुरानी संस्कृत भाषा थी और जो यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, जर्मन, इटालियन सभी के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई गई थी। जैसे एग्जांपल के लिए संस्कृत के अंदर जो पिता है उसे पितृ बोलते हैं, पर्शियन में पीदर बोलते हैं, लैटिन में पेटर बोलते हैं, इंग्लिश में फादर और जर्मन में इसे वाटर बोला जाता है। इसी प्रकार से भाई, ब्रदर के लिए, मदर के लिए, सभी के लिए अलग अलग वर्ड्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और जो वैदिक लिटरेचर के अंदर जो लोग इसके अंदर शामिल थे उन्हें आर्यन कहा गया था और जो उस समय के जो आर्यन पीपल थे वो नॉर्थ इंडिया में सेट हो गए थे, रहते थे। किंग भारत, जो भारत भरत नाम का जो राजा था और जो उसके डेस्किनेंट्स होते बेटा, उसके जो साथी थे, उसके जो रिलेटिव्स थे, वो सभी क्या है, उन सभी को भी आर्यन की संज्ञा दी गई थी और उसी के बाद से भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा। हमारे भारत में चार वेद, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चार वेद थे, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। इन सभी के अंदर जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। इसके अंदर 1028 हिम्स हैं। हिम्स होती है बेटा भजन, जो जिन्हें सुक्ता भी कहा गया है, और जो हिम्स होते हैं वो साधु संतों के द्वारा जो भजन गाए जाते थे उन्हें हिम्स कहा जाता था। और ये जो हिम्स होते थे वो भगवान की प्रशंसा के लिए गाए जाते थे। जैसे अग्नि को आग का देवता कहा गया है, इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है और सोमा एक ऐसा प्लांट होता है जिससे देवताओं के लिए एक बहुत ही अलग प्रकार का पेय पदार्थ तैयार किया जाता था, उसे सोमा कहा जाता था। और जो ये हिम्स होते हैं ये सेक्स होते हैं, जो साधु संत होते हैं उनके द्वारा तैयार किए जाते थे एंड वर पास डाउन, और इन्हें क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ओरल फॉर्म के अंदर ही इन्हें पास किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका सोसाइटी ऑफ वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड का जो उस समय का जो समाज था, सोसाइटी थी, वो किस प्रकार की थी। देखिए डिस्क्राइबिंग पीपल, पीपल इसके अंदर किस प्रकार के बताए गए हैं। वैदिक टाइम के अंदर जो पीपल्स थे उन्हें उनके कार्यों के द्वारा, उनकी लैंग्वेज के द्वारा, उनके प्लेस के द्वारा, फैमिली, कम्युनिटीज और कल्चर प्रैक्टिस के द्वारा उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए उन्हें दो ग्रुप में बांटा गया था। फर्स्ट था प्रिस्ट, जिसके अंदर जो भगवान की पूजा अर्चना करते थे वो आते थे। सेकंड था राजा, जो वहाँ पर शासन करते थे। लेकिन उस समय के जो राजा थे उनकी कोई कैपिटल सिटीज़ नहीं थी, उनके महल नहीं थे, उनके पास कोई सैनिक नहीं थे और ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे। जो राजा होते थे उन्हें कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए थे, जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर चीफ, प्रीस्ट, कम्युनिटी हेडमैन एटसेट्रा। और जो राजा होते थे अगर उन्हें किसी इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कस करना है तो उसके लिए वो सभा और समिति का की हेल्प लेते थे। अब देखिए सभा एंड समिति, सभा एंड समिति क्या है बेटा, सभा एंड समिति वर टू असेंबलीज, ये दो असेंबलीज हैं जिसके अंदर जो सभा है वो इंपॉर्टेंट असेंबली है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है और इसके अंदर जो लोग होते हैं वो बड़े, मतलब ओल्ड एज के हैं, और जो एक्सपीरियंस और बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो समिति है वो जनरल असेंबली, जिसके अंदर फैमिली के मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता था। कम्युनिटीज, जो समाज था उस समय उसे दो डिवीज़न में बांटा गया था, जन और विश्य। और जो वैश्य जो शब्द है वो विश्य शब्द से ही निकला है। इसके अलावा जो उस समय के जो दास थे, दास और दासी थी, वो क्या है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की के पास रहते थे, उनकी सेवा करते थे और वो जो राजा महाराजा थे उसके बदले में उन्हें वो पैसे देकर उन्हों उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे।
और शुरुआत में जो सोसाइटी थी उसे स्किन कलर के अकॉर्डिंग, वर्णा या स्किन कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था। जैसे जो जिनका कलर फेयर है उन्हें क्या है उच्च वर्ग में डाला गया था, जिनका कलर डार्क था उन्हें निम्न वर्ग में डाला गया था। लेकिन बाद में इस सिस्टम को चेंज करके सोसाइटी को चार सेक्शन में बांटा गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार आते हैं। जो प्रिस्ट, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, जो रीजनल मैटर्स रिलेटेड होते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो किंग, जो राजा और वॉरियर्स थे उन्हें कायस्थ, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। और जो फार्मर्स थे उन्हें वैश्य का के उसमें डाला गया। और जो वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, उन्हें शूद्र की श्रेणी के अंदर रखा गया था। इज दैट क्लियर? आगे है बेटा कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। देखिए कैटल, कैटल्स होते हैं जो ये पालतू जो पशु होते हैं, हॉर्सेज चैरियट्स होते हैं जो घोड़ा गाड़ी होती है। उस समय ऋग्वेद में कैटल चिल्ड्रन हॉर्सेस के बारे में बताया गया है। जो हॉर्सेस होते हैं उन्हें चैरियट्स से अटैच कर दिया जाता था ताकि उन्हें युद्ध के अंदर यूज़ किया जा सके। और जो ये युद्ध होते थे वो पशुओं को पाने के लिए, लैंड्स को पाने के लिए किए जाते थे ताकि उस लैंड के ऊपर फसलों को ग्रो किया जा सके। इसके अलावा कुछ बैटल्स जो रिवर का पानी होता है उसके लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। लड़ाई लड़ने के बाद जो राजा जितना भी धन जीत जाता था, वेल्थ जीत जाता था, उस वेल्थ को क्या है वो आपस में जो राजा था वो अपने पास रख लेता था। उसमें से कुछ पादरी, प्रिस्ट होता है पादरी को, जो मंदिर में पूजा वगैरह करता है उसे दिया जाता है। कुछ धन को लोगों में बांट दिया जाता था। कई बार उस धन से यज्ञ आदि किए जाते थे। यज्ञ के अंदर या भगवान और देवी देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता था। उसके अंदर घी, अनाज या कुछ एनिमल्स खरीद कर वो उस अग्नि के अंदर चढ़ाए जाते थे जिससे देवी देवता खुश होते थे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका ऑक्यूपेशन। यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? नेक्स्ट है बेटा ऑक्यूपेशन। देखिए ऑक्यूपेशन होता है उस समय जो वैदिक पीरियड था उस समय के क्या क्या ऑक्यूपेशंस थे। तो देखिए इसमें उस समय सबसे मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, खेती करना, एंड कैटल रियरिंग और पशुओं को चराना। ये दो मुख्य इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस थे। जो लोग थे वो राइस, वीट, बार्ले की खेती करते थे। और एक उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। बेटा देखो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम के अंदर पैसा नहीं दिया जाता है, सामान के बदले सामान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास घी है और आप लोगों के पास गेहूं है, मुझे गेहूं की ज़रूरत है और आप लोगों को घी की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे आपस में, हम बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपको घी दे दूंगी और आप मुझे गेहूं दे दोगे। तो बदले में पैसे नहीं दिए जाते थे एक दूसरे से, क्या है बार्टर सिस्टम के अंदर बिना पैसों के एक दूसरे से सामान देकर हम एक्सचेंज, उस समय एक्सचेंज किया जाता था। इसके अलावा उस समय बहुत सारे ऑक्यूपेशंस भी थे, जैसे पोल्ट्री वीविंग, ज्वेलरी मेकिंग, मेटल वर्क, कारपेंट्री, ज्वेलरी, चैरियट मेकिंग एट्सेट्रा। और ये सारा कार्य मैन व्यूमैन दोनों मिलकर इस कार्य को करते थे। और जो वैदिक पीरियड था उसके अंदर उस समय जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ थी उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होता है बेटा मनोरंजन के साधन, तो इसके लिए हंटिंग, रेसलिंग, गैबलिंग, गैम्बलिंग, म्यूजिक, डांस, ये सारा कार्य उसके अंदर किया जाता था। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइफ टुवार्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड का जो अंत था उसके अंदर क्या क्या चेंजमेंट आ गए थे। तो देखिए अराउंड 1000 BCE, लगभग 1000 BCE के आसपास जो राजा थे वो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो राजा थे उनके पास क्या है बेटा महल नहीं होते थे, सोल्जर्स नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे वैदिक पीरियड का एंड आया तो जो राजा थे बहुत ही पावरफुल बन गए थे, उनकी जो आर्मीज थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी और उन्हें बड़े बड़े टाइटल्स दिए गए थे। जैसे उन्हें सम्राट, महाराजा धीराज कहा गया था और वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जैसे राजसूय यज्ञ, इससे वो अपनी पावर बढ़ाते थे। अश्वमेघ यज्ञ, इससे वो अपने शासन को फैलाते थे, एक्सपेंड करते थे। और जो उनके जो किंगडम्स थे वो बहुत बड़े हो गए थे और जो राजा थे बहुत ही पावरफुल बन गए थे। लेकिन उस समय एग्रीकल्चर ही उनका सबसे मेन ऑक्यूपेशन था। जब वैदिक पीरियड का एंड चल रहा था तो उस समय भी क्या था बेटा, उनका जो एग्रीकल्चर था वही सबसे मेन ऑक्यूपेशन था। और उस समय जो आयरन को यूज़ किया जाता था उससे बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स, औजार बनाए जाते थे और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे। और वीविंग, ज्वेलरी, पॉटरी, कारपेंट्री, ये सारे कार्य भी उस समय किए जाते थे। और जो
ब्राह्मण और कायस्थ थे वो रूलिंग सोसाइटी के अंदर आते थे, वो रूल करते थे, और जो मतलब सब कुछ चेंज हो गया था, ब्राह्मण और कायस्थ रूलिंग सोसाइटी में आ गए थे, वैश्यों ने अपना व्यापार चेंज करके, पहले वो फार्मर थे लेकिन अब वो ट्रेडर और क्राफ्टमैन बन गए थे, और जो शूद्र जाति के लोग थे जो सबसे नीचे जाति में आते थे वो उन्होंने छोटे छोटे कार्य करने शुरू कर दिए थे। और इस टाइम के लास्ट तक डिवीज़न ऑफ जॉब्स, जो नौकरियाँ जो दी जाती थी वो कास्ट या सब कास्ट के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब्स प्रोवाइड की जाती थी, और उस समय जो भी नॉलेज दी जाती थी वो सारी संस्कृत भाषा में दी जाती थी। उसके अलावा उन्हें ग्रामर की, उस समय ग्रामर की नॉलेज, मेडिकल की नॉलेज, आर्ट की नॉलेज, म्यूज़िक की नॉलेज भी उस समय प्रदान की जाती थी। तो ये था बेटा एंडिंग ऑफ वैदिक पीरियड। आगे अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक है कंटेम्प्रेरी कैलोलिथिक सेटलमेंट या इनाम गाँव। ये इनाम गाँव एक जगह का नाम है जो महाराष्ट्र की एक जगह है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए इनाम गांव इन महाराष्ट्र, इनाम गांव था वो महाराष्ट्र में था, और ये कैलोलिथिक पीरियड का समय था, और यह कहाँ पर स्थित था बेटा, रिवर गोड नामक एक रिवर थी उसके पास स्थित था, जिसकी ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदी थी वो भीमा थी, और ये 3600 से 2700 ईयर्स तक का इसका समय था। और उस समय के अंदर जब वहाँ पर, उस समय के अंदर 134 मड हाउसेज, यानी कि मड हाउसेस होते बेटा मिट्टी के मकान वहाँ पर मिले थे, और उस समय एक जो लोग, उस समय जो पीपल थे उनकी एक मान्यता क्या थी कि जब किसी की डेथ हो जाती थी तो वो उसे अपने घर के अंदर ही, अब घर का जो इंटरनल एरिया होता था उसी के अंदर उसे दबा दिया जाता था, और उनके दबाने की भी क्या है सिचुएशन होती थी, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो दबाते थे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, और जो उसका डेड बॉडी का जो सिर होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखा जाता था। इसके अलावा वो डेड बॉडी के साथ खाना रखते थे, खाने की चीज़ें रखते थे। उन लोगों का क्या विश्वास था कि मरने के बाद भी ये जिंदा रहते हैं और उन्हें भूख लगेगी तो वो खाना खा लेंगे। इसके अलावा जब वहाँ पर खुदाई की गई तो वहाँ से ओवल शेप के कुछ हाउसेस मिले थे, और उन हाउसेस के अंदर खाना बनाने के कुछ सामान भी मिला था। इससे पता चलता है कि वो उस समय अपने हाउस के अंदर, इससे पता चलता है कि बेटा वो अपने हाउस के अंदर कुकिंग करते थे। इसके अलावा उस समय जो खुदाई की गई थी उस वहाँ से पॉटरी, कॉपर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें भी वहाँ से फाउंड हुई थी। और इसके अलावा बैंगल्स, बीड्स, ये सारी जो कॉपर की बनी हुई चीज़ें वो भी काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुई थी। क्ले और स्टोन से बनी हुई चीज़ें भी बहुत अधिक मात्रा में मिली थी। मिट्टी के मटके मिले थे जो रेड और ब्लैक कलर के थे, जो धरती के अंदर दबाए गए थे, और स्टोन के टूल्स मिले थे, पत्थर के औजार मिले थे। इस और जो राजस्थान का जो एरिया था वहाँ पर कॉपर की चीज़ें सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई थी। और उस समय के जो बच्चे थे वो, उनके जो खिलौने थे जिन खिलौनों से वो खेलते थे वो मिट्टी के बने हुए खिलौने मिले थे वहाँ से, और कुछ क्रॉप्स के मटेरियल भी मिले थे जिससे पता चलता है, जैसे वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, इनके सिंबल्स भी वहाँ से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा फ्रूट्स के सिंबल्स भी मिले थे, जैसे जिससे पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो आंवला, जामुन, डेट, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करते थे। तो ये था बेटा आपका कैलोलिथिक पीरियड। अब आपका आता है मेगालिथिक पीरियड। अब मैं देखिए मेगालिथिक पीरियड में देखिए जो मेगालिथिक पीरियड था उसका जो कल्चर था वो साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, और इसे स्टोन एज का नाम भी दिया गया था। और जो ये पीरियड था इसे हिस्टोरियन ने इसे लीप ईयर, सडन लीप बताया था, जो स्टोन एज से डायरेक्ट आयरन एज के अंदर आ गए थे। इस मेगालिथिक पीरियड की कुछ विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसमें क्लोज रिलेशन टू आयरन एज, जिसमें वो आयरन एज के बिल्कुल करीब आ गए थे, एंड यूसेज ऑफ ब्लैक एंड रेड वेयर। और उस समय वेयर होता है बेटा मिट्टी के बने हुए बर्तन, उस समय जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते थे वो ब्लैक और रेड कलर के बनाए जाते थे। जो मेगालिथिक वर्ड है उसका अर्थ होता है बिग स्टोन, एक बहुत बड़ा पत्थर। और जो मेगालिथिक है उसके, मेगालिथिक है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दो तीन वहाँ पे प्लेस मिले थे, जिसमें टकलाकोटा और ब्रह्मगिरी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वहाँ का जो बरिड थी, बरिड होता है बेटा, बरिड साइट्स होती हैं जहाँ पर शव को दफनाया जाता है, जो वहाँ पे जो ये एरियाज मिले थे उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टोन, मतलब उससे दफनाकर वहाँ मिट्टी में दबाकर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाता था जिससे उसे, उसकी समाधि बनाया जाता था।
इसके अलावा जो मेगालिथिक पीरियड था वहाँ से वहाँ पर उस समय स्केलेटन भी प्राप्त हुई थी। स्केलेटन होता है जो ये मरने के बाद जो इंसान का शरीर का जो ढांचा होता है उसे स्केलेटन कहा जाता है। और इन सभी चीज़ों के अलावा कई स्केलेटन के साथ कुछ आइटम्स कुछ मटेरियल्स भी मिलते थे। जैसे एक स्केलेटन के साथ एग्जांपल दिया गया है इसमें 33 गोल्ड बीड्स 33 सोने की सिक्के मिले थे, 2 स्टोन के सिक्के मिले थे और 4 कॉपर की बैंगल्स चूड़ियां मिली थी इससे। और इसके अलावा कुछ जो डेड बॉडीज होती थी उनके साथ खाली मटके भी मिलते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो रिच होते थे जो अमीर होते थे वो क्या है उनके साथ सोने चांदी की चीज़ें मिलती थी और जो गरीब होते थे उनके साथ मिट्टी के बर्तन मिट्टी के मटके मिलते थे और जो डेड बॉडीज थी उनके साथ ब्लैक और रेड कलर के मटके प्राप्त होते थे। और इसके अलावा कुछ डेड बॉडीज़ के साथ हंटिंग के टूल्स भी या ऑर्नामेंट्स भी उसके साथ रखे जाते थे। इससे पता चलता है कि जो उस समय के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा और हंटिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि जब इंसान मर जाता है उसके बाद भी वो उसकी लाइफ उसी प्रकार से चलती रहती है जिस प्रकार से वो जिंदा रहकर सारा कार्य करता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।